आजकल की एक कॉमन प्रॉब्लम है जो बच्चे, बूढ़े या फिर कोई भी एज ग्रुप के लोगों को, लड़कियों को, बच्चों को, हर किसी को ये प्रॉब्लम हो जाती है, वो है डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम। जी हाँ, उसी से छुटकारा पाने के लिए आज मैं आप लोगों के साथ एक होम रेमेडी शेयर करूंगी जिससे आप 7 दिनों के अंदर अपने डार्क सर्कल्स को रिमूव कर दोगे। हाँ जी, मुझे भी हो गए थे शुरू शुरू के, आज से 6 महीने पहले की वीडियोस देखोगे तो मुझे भी बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स हो गए थे, बट मैंने बिल्कुल रिमूव कर लिया। आप लोग देख सकते हो, बिल्कुल भी डार्क सर्कल्स। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आजकल की एक कॉमन प्रॉब्लम है जो बच्चे, बूढ़े या फिर कोई भी एज ग्रुप के लोगों को, लड़कियों को, बच्चों को, हर किसी को ये प्रॉब्लम हो जाती है, वो है डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम। जी हाँ, क्योंकि अभी के जो बच्चे हैं वो भी हमेशा ही फोन, टैब, टीवी लेके पड़े रहते हैं, तो उसकी वजह से डार्क सर्कल्स पड़ जाते हैं। बड़े लोगों को जो है कंप्यूटर पे काम करना पड़ता है, नींद नहीं होता, या फिर किसी मेडिसिन के वजह से, किसी मेडिसिन के साइड इफेक्ट के वजह से, अगर आपकी कोई बीमारी है उसके लिए आप रेगुलर मेडिसिन खा रहे हो, तो उसकी वजह से भी डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, एंड बहुत ज्यादा हो जाती है। मतलब बिल्कुल गड्ढे जैसे पड़ने लगते हैं, और उसी से छुटकारा पाने के लिए आज मैं आप लोगों के साथ एक होम रेमेडी शेयर करूंगी जिससे आप 7 दिनों के अंदर अपने डार्क सर्कल्स को रिमूव कर दोगे। हाँ जी, 7 डेज के अंदर, 7 डेज चैलेंज लो मेरे साथ, एंड 7 डेज के अंदर आप अपने डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल गायब हो जाएगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही कहा कि आजकल जो डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है वो किसी को भी हो जाती है, मुझे भी हो गए थे शुरू शुरू के, आज से 6 महीने पहले की वीडियोस देखोगे तो मुझे भी बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स हो गए थे, बट मैंने बिल्कुल रिमूव कर लिया। आप लोग देख सकते हो, बिल्कुल भी डार्क सर्कल्स नहीं है, वरना इस जगह पे मेरे बहुत ज्यादा अजीब लगते थे विदाउट मेकअप। हाँ जी, बहुत ज्यादा काले काले से ऊपर एंड नीचे दोनों ही जगह पे डार्क सर्कल्स। किसी किसी को डार्क सर्कल्स जो होते हैं वो इस जगह पे होते हैं, बट किसी किसी को पूरे आईज को ऐसे गोल करके होने लगते हैं। अगर आप चश्मे, आपको अगर चश्मे लगे हुए हैं तो उसकी वजह से भी हो जाते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा कंप्यूटर पे काम करते हो उसके वजह से भी हो जाते हैं। हैवी अगर किसी बीमारी की वजह से आप रेगुलर मेडिसिन खाते हो तो उसके वजह से भी होता है, एंड बहुत सारे साइड इफेक्ट की वजह से भी डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम हो जाती है। सो इसको रिमूव किया जाता है, पर ऐसा भी हो जाता है, मैंने खुद देखा है बहुतों को कि इतने ज्यादा हो जाते हैं कि उसको रिमूव करना आसान नहीं होता है। हाँ जी, एंड वो रिमूव भी नहीं होता है, पूरे जो आपके आई थे वो गड्ढे जैसे हो जाते हैं। तो उससे अच्छा कि अगर आपको डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है तो उसके लिए अभी से आप ट्रीटमेंट लो। जी हाँ, होम रेमेडीज यूज करो, होम रेमेडी से ज्यादा अच्छा कुछ भी नहीं होता है। होम रेमेडी का जो प्लस पॉइंट है वो है कि हर किसी को ये सूट करता है आसानी से। जी हाँ, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनकी ओवर सेंसिटिव स्किन होती है, उन्हीं को शायद ना सूट करे, फिर भी उन लोगों को भी होम रेमेडी सूट कर जाती है। तो आप लोग ट्राई कर सकते हो, बाहर से कोई प्रोडक्ट खरीदने से अच्छा है कि आप होम रेमेडीज यूज करो। तो गाइस, आज मैं जो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही बेस्ट वाला DIY है। जी हाँ, आई पैक। जी हाँ, एंड इससे जो आपके डार्क सर्कल्स है, पफी आईज है, वो बहुत जल्दी कम हो जाएंगे, रिंकल्स कम हो जाएंगे आपके। सो इसको बनाना कैसे सबसे पहले वो देख लो, देन हम इसको यूज करते हैं। सो गाइस, इस आई पैक को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे छोटे साइज का आलू लिया, उसको अच्छे से कद्दूकस कर लिया है, देन उसको हाथों से निचोड़ के ही मैंने 2 से 3 चम्मच के करीब इसका जूस निकाल लिया है, एंड इतना इनफ है। देन यहाँ पे 2-3 इंच के करीब मैंने कुकुम्बर ले लिया है, उसको भी कद्दूकस कर लिया है, एंड देन उसका जूस निकाल लूँगी मैं 2 चम्मच के करीब, ये भी निकल जाएगा। देन यहाँ पे टमेटो ले रही हूँ, हाफ टमेटो, एंड देन उसका जितना भी पल्प है उसको अच्छे से मैंने निकाल लिया है। यहाँ पे टमेटो को फेंकना नहीं, आप यूज़ कर सकते हो जो बचा हुआ है। देन यहाँ पे मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद यहाँ पे हाफ लेमन को मैंने ले लिया है, इसको अच्छे से उसका जितना भी जूस है इसमें अप्लाई कर मिक्स करूँगी, एंड आप 2 से 3-4 ड्रॉप्स भी होगा लेमन का तो भी चलेगा। देन यहाँ पे कॉफ़ी पाउडर ले रही हूँ मैं 1 चम्मच के करीब, अगर आपको ये पतला लगे पैक तो आप और ज़्यादा थोड़ा सा कॉफ़ी मिक्स कर सकते हो, तो ये रेडी है। सो गाइस, आप लोगों ने देख लिया इसको कैसे बनाना है। इसको बनाना बहुत ही इजी है। जी हाँ, जो इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें यूज किए हैं, कुछ भी बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं है, हर एक चीज आपको किचन में अवेलेबल मिलती है। जी हाँ, एंड इसका जो सबसे अच्छा बात है कि आप, अगर आपके बच्चे हैं 9 इयर्स 10 इयर्स या 12 इयर्स के, तो उनपे भी आप इसको यूज कर सकते हो, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा चीजें नहीं है जो उनको हार्म करेगी या फिर कोई और इफेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, जलन भी नहीं होगा, क्योंकि ये सारे ही नेचुरल चीजें हैं, एंड आपके बच्चे जो हैं उन पे भी आप इसको यूज कर सकते हो बहुत ही इजीली। सो गाइस, कोई सा भी एज ग्रुप इसको यूज कर सकता है। तो सबसे पहले इसको आप लोगों ने देख लिया कि कैसे बनाना है, अब हम इसको यूज करके दिखाते हैं, एंड सबसे जीता जागता सबूत मेरे आईज है, क्योंकि आप लोग नहीं यकीन करोगे तो आप लोग एक बार जरूर कुछ समय पहले की वीडियोस देख लेना, मेरी डार्क सर्कल जो है बहुत ज्यादा थे।
अब मेरे बिल्कुल भी नहीं है, आप लोग देख सकते हो कोई मेकअप नहीं है, ठीक है, बिल्कुल नेचुरल फेस आप लोगों के सामने है। सो इसको यूज करके दिखाती हूँ। गाइस आप लोग 7 डेज इसको रेगुलर ट्राई करो, बिल्कुल आपके डार्क सर्कल्स कम हो जाएंगे। तो इसको हम अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ब्रश से अप्लाई कर लिया है अपने आईज पे, ऊपर एंड नीचे दोनों तरफ। देन यहाँ पे मैं अंडर आई का जो शेप होता है उसी शेप में मैंने टिश्यू पेपर काट लिया है एंड उसको इसी पैक में डिप करके अपने जो आई अंडर आई है वहाँ पे अप्लाई कर दूंगी, ताकि जितने भी देर ये लगा रहे 15 मिनट उतने देर जो इसका जो फायदे होते हैं वो अंदर स्किन के अंदर अब्जॉर्ब करे। आप लोगों को पता ही है पोटैटो हो जाए, कुकुम्बर हो जाए, पोटैटो में फाइबर पाए जाते हैं जो दाग धब्बे बहुत ज़्यादा जल्दी रिमूव करते हैं एंड आपकी स्किन पर ग्लोइंग प्रोवाइड करता है। एंड कुकुम्बर, कॉफी, ये सारे ही जो है बहुत अच्छे से दाग धब्बे मिटाते हैं, तो इसको जरूर अप्लाई। गाइस मेरे यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं तो मैं अब इसको रिमूव कर दूंगी। पहले क्लीन टिश्यू पेपर लेके इसको अच्छे से वाइप कर देंगे, ठीक है। इसको अभी रिमूव मत करो, वाटर से मत धोना, थोड़े दिन के लिए इसको वाइप करके एंड ऐसे ही रहने दो, ठीक है। आधा घंटे के बाद इसको नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेंगे। देख सकते हो लगाते ही कितना ज्यादा ब्राइटन अप लग रहा है आईज के नीचे, ठीक है। सो गाइस अगर आपकी भी बहुत ज्यादा अंडर आई डार्क हो चुकी है, डार्क सर्कल्स बहुत ज्यादा हो चुके हैं, तो इसको जरूर यूज करो। ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, 7 डेज के अंदर आपको जो रिजल्ट मिल जाएगा, आपकी जो डार्कनेस है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, तो इसको जरूर एक बार यूज करना। सो गाइस आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर आपको बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है, पफी आईज है, रिंकल्स हो गए हैं, तो उसको ये बहुत जल्दी रिमूव कर देगा। हाँ जी, इसको जरूर यूज करो, बिल्कुल इसको बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजीली बन जाएगा। हर एक चीज आपको अवेलेबल मिलेगा ही घर में, तो इसको जरूर अप्लाई करो, 7 डेज रेगुलर अप्लाई करो एंड आप इसका इफेक्ट पाओगे। सो गाइज आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा हो, क्योंकि डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम जो है वो हर किसी को होती है एंड बहुत ज्यादा होती है। सो अगर वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी हिट कर देना, लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करना। अब मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चल रहे हैं, सी यू, बाय गाइज।